दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि CDM स्मार्टफोन पर GSM सिम कैसे लगाई जाती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको MTK इंजीनियर मोड को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, आपके मोबाइल में इंस्टॉल करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके मोबाइल में GSM सिम को डालना है और फिर उसके सेटिंग को सेव करकर अब GSM सिम को चला सकते हैं और आराम से नेट भी चला पाएंगे। अभी मैं बताऊंगा आपको ये कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल को MTK इंजीनियर मोड डालें, इंस्टॉल कर लें। मैंने पहले से ये डाला हुआ है। फिर इसको मोबाइल को स्विच ऑफ कर इसमें सिम डाल लें। देखो ये CDM स्लॉट पर एम्प्टी सिम डली हुई है। मैं इसको निकाल कर यहाँ पर BSNL की सिम डालूंगा। देखिए मैंने BSNL सिम इस स्लॉट पर लगा दी, CDM स्लॉट पर। CDM स्लॉट पर BSNL सिम लगा दी है। अब मैं इसको ऑन करूंगा। देखिए मैं इसको आपको सिम को एक्टिवेट करना सिखाऊंगा कि MTK इंजीनियर मोड से सिम को CDM स्मार्टफोन पर GSM सिम कैसे एक्टिवेट करते हैं। देखो इसमें जो पहले से एक सिम डाला हुआ है रिलायंस 4G, उसका नेटवर्क आ चुका है। अब BSNL मोबाइल का नेटवर्क अभी आया नहीं है, तो यहाँ तो बोल रही है ये सिम स्टेट। तो मैं अभी आपको इसको एक्टिवेट करना सिखाऊँ। सब आपको क्या करना है, आपको MTK इंजीनियर मोड में जाना है और MTK इंजीनियर मोड में जाकर एंड्रॉइड, आपको एंड्रॉइड सेटिंग सेलेक्ट करनी है। फिर आप फोन इंफॉर्मेशन जाना है। इसके बाद आपको जो भी स्लॉट में सिम डली हुई सिम को स्लॉट को सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने फर्स्ट में डाली हुई है तो इसमें फर्स्ट स्लॉट को सेलेक्ट किया। अब इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि पहले से जो प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप है इसमें CDM ऑटो PRL पहले से एक्टिवेट है, तो इसको आप चेंज करना है। आप इसको GSM ऑटो PRL में एक्टिवेट करो। देखो कर अब देखो ऊपर जो नेटवर्क सिग्नल वो नहीं आ रहे हैं। अब इसे ऑन करने से नेटवर्क सिग्नल आ गए हैं और आप इससे एक्टिवेट हुए। अब आप इसको नेट भी चला सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, आप सब कुछ काम कर सकते हैं। इससे आपको बता दें नेट एक्टिवेट करके नेट भी कनेक्ट हो जाएगा। ये देखो नेट एक्टिवेट हो चुका है। प्रॉपरली नेट चलता है इसमें। अगर दोस्तों अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और हेलो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।